आप क्या इस बात से सहमत है कि एनआरसी जो आप ला रहे हैं वो होना ही चाहिए? देखिए, एनआरसी को आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर नहीं देखना चाहिए। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स ये देश की मूल समस्या को एड्रेस करने का और मूल समस्या के समाधान का एक रास्ता है। कोई देश ऐसे कैसे चल सकता है कि कोई भी आकर यहां बस जाए? ये धर्मशाला है क्या? इस तरह से देश नहीं चल सकते। इस देश के जो नागरिक है वो ही यहीं रहने चाहिए। इस देश के संसाधन पर उन्हीं का अधिकार है जो देश में जन्मे हैं, देश के भविष्य के साथ इत्तेफाक रखते हैं, देश के इतिहास से जिनका जुड़ाव है, देश की संस्कृति से जिनका जुड़ाव है, उनका ही इस देश के संसाधनों पर अधिकार है। और जहां तक घुसपैठियों का सवाल है, मैं निश्चित रूप से मानता हूं देश की सुरक्षा के लिए भी एक खतरा है। देश की सुरक्षा अगर सुनिश्चित करनी है तो घुसपैठ को रोकना पड़ेगा। घुसपैठ तभी रुकेगी जब घुसपैठियों को आप डिटेक्ट करोगे, वॉटर लिस्ट से डिलीट करोगे और बाद में डिपोर्ट करोगे। तो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, ये तीन स्टेज है। एनआरसी उसका फर्स्ट स्टेज है। और जो लोग इसका विरोध करना चाहते हैं, मैं सभी को कहता हूं कि आप एनआरसी पर आपका स्टैंड सार्वजनिक करें। 70 साल तक घुसपैठियों को वोट बैंक की दृष्टि से देखा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से सन 70 से एक स्टैंड लिया है कि वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी चाहिए, घुसपैठिए देश के हित में नहीं है। सिर्फ आसाम के अंदर प्रथम दृष्टिया 40 लाख लोग चिन्हित हुए, आप कल्पना कर सकते हैं देश भर में कितने हैं। और मेरा स्पष्ट मानना है, मेरी पार्टी का स्पष्ट मानना है कि एनआरसी पर आगे बढ़ना चाहिए और घुसपैठियों पर कठोर कार्यवाही कर देश को सुरक्षित करना।